सो गाइस एब्स लाने का टाइम आ गया, फैट लॉस करने का टाइम आ गया, अभी फिर से वो स्टेज रेडी जो बॉडी है वो मैं करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए कौन सा सप्लीमेंट्स मुझे सजेस्ट किया गया मेरे कोच के तरफ से, आज मैं वो चीज दिखाऊंगा। और आज मैं इस तरीके से दिखाऊंगा कि सुबह से रात तक सीरियल ऑर्डर में दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो जाए लाइन बाय लाइन। ठीक है, बिना लेट किए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कुछ सप्लीमेंट्स जो है मेरा स्पॉन्सर्ड है, कुछ सप्लीमेंट्स जो है मैं बाहर से खरीद के यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो मैं करता हूँ वही दिखा रहा हूँ, जो मैं यूज करता हूँ वही मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते एक एक करके। तो फर्स्ट मॉर्निंग में जो चीज मुझे ब्रेकफास्ट के साथ लेना है वो है आपका वाइटामिन D3 का जो टैबलेट है, टैबलेट नहीं ये बेसिकली कैप्सूल फॉर्म में है। तो ऐसे ऐसे करके रहता है 60K। ठीक है, तो ये चलेगा मेरा 12 वीक्स तक मेरा चलेगा ये चीज। और यहाँ पे पूरा जो 12 वीक्स का जो डोज है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ईच एंड एवरी वीक मुझे एक एक करके लेना है। तो 3 वीक मेरा हो गया, अभी भी 9 वीक मेरा बाकी है। ठीक है, ये हो गया ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट के साथ और एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, जो है आपका वे प्रोटीन, जो है आपका अफ्तर का आइसो रिच। मैं आइसोलेटी प्रेफर करता हूँ, कंसेंट्रेट भी आप ले सकते हो, पर मैं आइसो रिच इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसका टेस्ट भी बेहतरीन है और साथ में इसका प्रोटीन परसेंटेज थोड़ा नॉर्मल आइसोलेट जितना भी प्रोटीन है मार्केट में उससे थोड़ा ज्यादा ही रहता है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, बहुत ही भारी है, इसके ऊपर रखूंगा तो टूट जाएगा कांच, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। ठीक है, अभी जो चीज है ब्रेकफास्ट के ठीक हाफ एन आवर बाद मुझे क्या लेना पड़ता है, ब्रेकफास्ट के हाफ एन आवर बाद जो चीज लेना पड़ता है वो है आपका एक लीवर का सप्लीमेंट, मतलब जो लीवर का डाइजेशन का जो, क्योंकि आपको सभी को पता है कि फैट लॉस के टाइम में प्रोटीन हाई रहता है, कार्ब्स कैलोरी डाउन में रहता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपका लीवर का जो फंक्शन है उसको सही रखने के लिए एक लीवर का टैबलेट कोई भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ आपका मैंगो हर्ब्स का लीवर प्रो। ठीक है, क्योंकि इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आपको लीवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसको करने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। और इसके साथ लेता हूँ एक मल्टीविटामिन, जो मैं ले रहा हूँ आपका प्रैक फिट का ये मल्टीविटामिन। ठीक है, ये दो चीज मैं ले रहा हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, और साथ में आपका एक विटामिन D3 का 60K वाला। ठीक है, अभी हो गया कि लंच के बाद मुझे क्या लेना है। लंच के बाद सच एस कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं है, लंच के बाद सिर्फ एक ही सप्लीमेंट है, वो है आपका ओमेगा 3। अभी बात है कि मुझे ऑप्शनल दिया गया, अगर मैं घी 10-15 grams करके लेता हूँ डेली तब मुझे ये नहीं लेना है, अगर घी नहीं लेता हूँ मिस करता हूँ किसी दिन तब जाके मुझे इसका एक टेबलेट या फिर एक कैप्सूल जो है वो आपको लेना है, ये आपका लंच के बाद। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका प्री वर्कआउट। अभी प्री वर्कआउट में मैं जो चीज कर रहा हूँ कि पहले क्या था कि मैं क्रिएटिन और सिट्रालिन एल-सिट्रालिन और बीटालिन इसको अलग अलग करके ले रहे थे, बट अभी मैं फिलहाल ये नेचरलिन का 2 प्री वर्कआउट मैंने खरीद लिया, इसको ही मैं ले रहा हूँ, ये कन्वीनियंट है। और इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास था ऑलरेडी जो क्रिए बूस्ट है, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया 3 grams मुझे बोला गया है, बोला कि इस बार 3 grams करके लो, 6-7 grams सबको नहीं लेना है, 3 grams करके लो एनाफ है। तो मैं 3 grams करके ले रहा हूँ क्रिए बूस्ट, और साथ में आपका ये जो प्री वर्कआउट है PR7 करके इसको, क्योंकि इसमें आपका सिट्रालिन मैंने जो है 8 grams के आसपास है, ठीक है, और बीटालिन आपका 2.9 grams पर सर्विंग। तो डोज एकदम से जो आपको चाहिए पर डे का उस हिसाब से ही है, इसके साथ मैं ये ले रहा हूँ। अभी बात आता है कि पोस्ट वर्कआउट में, अच्छा क्रिएटिन और एक है जो मेरे पास था, ये भी था वेलकोट का, इसको भी मैं कभी कभी ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, ये भी खाली हो चुका है और फिर मुझे लाना पड़ेगा। तो क्रिएटिन इन दोनों में से ही मैं ले रहा हूँ। अभी नेक्स्ट जो चीज है कि पोस्ट वर्कआउट में सिंपल है वो है आपका आइसोरिच। ठीक है, एक स्कूप आइसोरिच पोस्ट वर्कआउट और एक स्कूप आपका एकदम सुबह ब्रेकफास्ट में। ठीक है, ये हो गया आपका पोस्ट वर्कआउट, इसमें कोई भी क्रिएटिन वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि आप क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट लेना चाहते हो तो इसके साथ ऐड करके आप ले सकते हो। तो यहाँ पे खत्म हो गया आपका पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट्स। लास्ट जो बाकी है रात के लिए, तो रात के लिए मेरा 3 सप्लीमेंट्स चल रहा है, वो है आपका, एक है आपका अश्वगंधा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अश्वगंधा है, मैं क्या बोलूं, मतलब आपका जो स्ट्रेस है एकदम से खत्म कर देगा, मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ही खुश हूँ इसको यूज करके। तो अश्वगंधा यूज कर रहा हूँ, और उसके साथ में जो यूज कर रहा हूँ वो है आपका गैट का ZMA। ठीक है,
ये बहुत दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ, बट इसको मिलता नहीं है। इसमें क्या है कि आपका बोरोन है प्लस B6 है, जिंक, मैग्नीशियम। तो बोरोन का काम है आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो है उसको बूस्ट करना, आपको पता ही है। तो इसके अंदर डाला है और बहुत ही स्ट्रांग है, सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब इससे आपका रिकवरी बहुत ही फास्ट होता है। और ये एकदम ओरिजिनल है, मैंने एकदम ऑफिशियल जो साइट है वहां से मैंने लिया था इसको, तो एकदम ओरिजिनल बिल के साथ आया है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट 2-3 हो गया। अच्छा, और एक चीज मैं ले रहा हूँ जो है आपका, वो है आपका 2 ग्राम्स के आसपास। इसका सर्विंग साइज है 5 ग्राम्स, बट मैं इसका 2 ग्राम्स के आसपास ले रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फैट लॉस के टाइम में आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसके लिए मैंने बीस्ट प्रो जो है इसका 2 ग्राम्स के आसपास मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डेली सोने से पहले, जिससे मेरा इसके अंदर है आपका तोंगा टाली है, उसके बाद आपका है अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मुसली, काली मुसली, ये सारा जो चीज है ये सब है। तो उससे मेरा जो फंक्शन जो है टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होने में हेल्प करते हैं, साथ में आपका लिबिडो जो है, आपका जो सेक्सुअल डिजायर है, वो सारा जो चीज है वो खत्म होने नहीं। बॉडी बिल्डिंग का एक काला सच ये है कि जब आप फैट लॉस, मतलब एकदम लास्ट स्टेज में रहते हो ना, फैट लॉस हो रहा है, कटिंग्स हो रहा है, तब आपका थोड़ा सा वो जो इच्छा है, जो आपका लिबिडो, जो आपका सेक्सुअल डिजायर है, वो थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है। ये नेचुरली भी होता है, एनहेंस करके भी होता है, तो जिसके लिए आपको एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हमेशा रखना चाहिए, बट वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो इसलिए मैं बीस्ट प्रो ही प्रेफर करता हूँ। तो ये है ओवरऑल मेरा सप्लीमेंट्स जो मेरा चल रहा है, इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। बाकी सारा डिस्काउंट कोड फोड मेरा जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूँ, आप लोग परचेस कर सकते हो। यही था वीडियो, आप लोगों को अपडेट दे दिया, आई होप आप लोगों को हेल्प होगा जो लोग नेचुरली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट कीजिए।